हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, फाइनली आज हम अपनी दूसरी गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए जा रहे हैं। अभी रेडी हो गए हैं सब के सब। इसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करते हैं और पूरी फैमिली निकलते हैं। मामा जी भी आ गए हैं, चाचा जी भी आ गए हैं, और भी कुछ लोग, शुभम लोगों को मैंने बुलाया, और इसके सर और भी कुछ लोग हैं। यहीं पे बगल में ही है शोरूम जोन सी गाड़ी हम लेने जा रहे हैं, वो तो आप थंबनेल में, टाइटल में देख ही लोगे। फिलहाल चलते हैं, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा भाई, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। तो अभी जाने से पहले ओरियो को भी नहला दिया है, बिकॉज शोरूम में जाएगा ना गाड़ी डिलीवरी लेने के लिए। है ओरी? अभी नहीं। बिल्कुल साफ सुथरा बन के जाएगा ना गाड़ी लेने के लिए। मम्मी सब चीजों का ध्यान रखती है, क्योंकि आज बहुत लोग वहाँ देखेंगे ओरियो को, तो ओरियो साफ सुथरा लगना चाहिए ना, इसलिए ओरियो को नहला दे जल्दी से। तो फिलहाल अभी मैं मंदिर में आ गया हूँ। आज पहला नवरात्रि है, तो हमने ज्योत भी जलाई है, तो प्रणाम करते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। और ये हमने ज्योत जलाई है जो कि पूरे 9 दिन तक, नवरात्रों तक जलती रहेगी, इसको बुझने नहीं देंगे। तो माता रानी से आशीर्वाद लेते हैं कि इसी तरह से हम ग्रो करते रहें, माता रानी की कृपा बनी रहे। बाकी मंदिर बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, अच्छे सजा दिया आज हमने। तो आज ब्रेकफास्ट में आलू वाले चावल और साथ में जूस पी रहा हूँ मैं तो। ओहो, रेड। तो अभी गाइस फिलहाल हम तो निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना डॉक्यूमेंट का काम होंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो वो काम हम कराते हैं। बगल में ही है शोरूम, तो फिर पापा जी और मम्मी को लेने आ जाएंगे जब डिलीवरी लेंगे। तो अभी सिर्फ हम तीनों भाई जा रहे हैं गाड़ी के शोरूम। तो अभी हम आए निर्मल भैया के पास में। निर्मल भैया को कैसे भूल सकते हैं, उनको भी लेते हैं साथ में, फिर चलते हैं। हम पता है कहाँ जा रहे हैं? डिलीवरी लेने, गाड़ी लेने। हाँ, तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं महिंद्रा के शोरूम में। अभी गाड़ी दिखाएंगे कौन सी है। बहुत सारे कमेंट में गैस कर ही लिया था कि ये वाली गाड़ी है, और यही वाली गाड़ी है हमारी। आज सौदा चला के ले जाएंगे इसको घर। इंटीरियर तो एकदम लग्जरी है इसका, देखो सनरूफ है पूरा बड़ा, एंड पीछे से लुक देखो गाइस इसकी, क्या अलग ही लुक है इसकी। इसका लोगो अलग है, बहुत हल्का नहीं है ये? इनोवा का तो डबल भारी है, इनोवा का तो खुलता ही नहीं है, इसका देख बहुत हल्का है। लेकिन यार बूट स्पेस नहीं है इसमें। तो अभी हमको यहाँ पे सब्सक्राइबर मिल गए हमारे, इनकी भी कार की डिलीवरी आज। शर्मा जाता है वो। ले पापा जी मम्मी को ले आ, तू तो यही है ना। तो ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, इनकी भी डिलीवरी आज, थार ब्लैक कलर में, क्या मस्त लग रही है। बैठ जाऊं क्या? बैठ जाऊं भाई, बहुत ही ऊंची है तो। काश हमको मिल जाती है। इसकी 1 साल की वेटिंग है। आज देखो कितनी सारी गाड़ियां यहां पे डिलीवरी के लिए। तो हमारे पंडित जी भी आ गए, हमारे चंदू भैया। अरे कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अरे कुछ नहीं होता, चलो ना हमारे साथ में, वो कुछ करेगा थोड़ी ना। तो अभी शुभम भी आ गया। कैसे लग रही गाड़ी हमारी? ये री, झूठ बोल रहा है, यही तो है। अरे यही है। तो मम्मी जी कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। तो मम्मी से रिवील कराएंगे गाड़ी को, बस रेडी होने वाले 10 मिनट में, इंश्योरेंस हो जाएगा। यहाँ पापा जी हैं, मामा जी हैं, चंदू भैया हैं, ओरियो है, बाकी बच्चा पार्टी वहाँ पे जा रही है यहाँ पे। तो फिलहाल मैं ओरियो को बाहर ले गया, उसको वॉशरूम वगैरह जाना होगा ना। ओरियो हो गया क्या? हो गया। तो अभी गाड़ी हमारी रेडी है रिवील होने के लिए, एंड पूरी फैमिली यहाँ पे, सभी के सभी एक्साइटेड हो। तो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी बाहर आ चुकी है डिलीवरी के लिए, और वो पूरी अच्छे से ढक दी है। और यहाँ पे केक आएगा। पहले तो दिखा तो दी, अब ढकने का क्या फायदा। तो गाइस फाइनली टाइम आ चुका है हमारी गाड़ी रिवील होने का। कैसी लगी XUV700? ये रही हमारी XUV700। कैसे घुमाना है? मतलब मैं राउंड मारूं? चाबी, बड़ी वाली चाबी। और केक भी तो काटना है, केक तो काटा ही नहीं तो। यार जाने की रेडी हो गए, केक काटा नहीं। वाह वाह, चला सब रील, सब अपनी अपनी रील बना रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर। तो अभी सब कुछ हो चुका है, डिलीवरी हो चुकी है, अब इसको फर्स्ट टाइम चलाएंगे। चला यार, चला यार।
हैंड ब्रेक बेटा बेचारा क्या है सारा सीन खराब हो गया गले में अटक रखा है सेशन खराब हो गया नींबू की हालत खराब हो गई भाई ऐसी मौत भगवान किसी को ना दे तो गाइस फाइनली गाड़ी लेके निकल चुके हैं अपनी शोरूम से अब हम जाएंगे पहले मंदिर ऑटोमेटिक है बार बार सौदा वहाँ पर ही हाथ रख दे रहे अपना तो गाइस अभी एक पंगा हो गया है हम पेट्रोल पंप पे आए जैसी तो पेट्रोल वाले भैया ने बोला कि आपकी गाड़ी में से धुआं निकल रहा है और गाड़ी में से इतना धुआं निकल रहा है ना भाई हम तो डर गए बड़े मियाँ और मैं हम बाहर आ गए गाड़ी से धुआं क्यों निकल रहा है इसमें से वही तो कह रहे हैं ये देखो पूरा धुआं ही धुआं निकल रहा है बदबू भी आ रही है भाई डर लग रहा है मेरे को तो अभी गाइस पोपट हो चुका है मेरे साथ में वो गाड़ी के नीचे से पूरा धुआं आ रहा है पता नहीं क्यों आ रहा है हमारे साथ हमेशा पोपट होता है यार चीज कुछ भी लेंगे ना चलो एक काम करो आप इनोवा में जाओ हम जाते हैं वापस लेके चल मम्मी कोई दिक्कत तो नहीं होगी आप देख लेना कुछ दिक्कत नहीं है तो अभी शोरूम वाले को कॉल था वो कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं है धुआं आएगा इसमें 4-5 दिन जो कि मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि 4-5 दिन धुआं क्यों आएगा यार गाड़ी से कह रहे कोई कोटिंग है वो जल रही है जलने की स्मेल भी आएगी अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या करें काम करते हैं पहले अपने मंदिर में जाते हैं फिर वापस घर की साइड जाएंगे तो दोबारा शोरूम में जाएंगे हाँ ऐसे करते हैं चलो मंदिर चलते हैं तो फिलहाल अभी तो हम जा रहे हैं मंदिर एक बार पूजा वगैरह करा लेते हैं भाई बहुत ऊंची है यार बहुत ज्यादा ऊंची है तो फिलहाल अभी हम चंदू भैया के मंदिर पे आ गए जहाँ साहिल की बाइक भी हमने पूजा कराई थी जय माता रानी वैसे आज का डे तो बेस्ट है क्योंकि पहला नवरात्रि है और आज के दिन हमने डिलीवरी ली है तो माता रानी कृपा बनाए रखना बस आप सही मैचिंग हो रहे रेड रेड गाड़ी रेड रेड साड़ी कर्णे भीष्म यामदेव भद्रं पश्येमाक्षवेत् यशोवान् भव समर्पयामि तो पीयूष को यहाँ पे हारमोनियम मिल गया और ये बेला चाओ बजा रहे हैं तो अभी सारा काम हो चुका है फिलहाल अभी हम जा रहे हैं दोबारा शोरूम में उनको बता के आते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें कैमरे की भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है कैमरा भी अच्छे से नहीं लगा हुआ एक बारी में ना हमारा काम कभी ठीक हो ही नहीं सकता हमको दोबारा चक्कर काटने ही पड़ते हैं तो साहिल लेके आया था इनोवा जो कि यहां खड़ी है वो रही और मैं थार चलाऊंगा मैं भी थार में बैठूंगा भाई बहुत ऊंची है इस पे पैर रख के चढ़ना पड़ता है और ये गाड़ी गाइस ऑटोमेटिक है तो चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे को ऑटोमेटिक आती नहीं अच्छे से बट जो सामने का व्यू आ रहा है ना इतनी ऊंची है अलग ही फील आ रहा है ऐसा लग रहा है कि क्या ही चला रहे हैं देखो पूरा बोनट दिख रहा है आगे का तो फिलहाल अभी हम महिंद्रा शोरूम पहुंच गए हैं इनको दिखा मैं आपको कैमरा दिखाता हूं गाइस ये देखो कैमरे का एंगल बिल्कुल नीचे हो रखा है तो ये कैमरे का एंगल ठीक कराते हैं पहले तो कह रहे हैं कि धुआं आएगा कोटिंग करिए कोटिंग जलेगी तो कुछ हीट लगे मेरे को तो समझ में नहीं आया कह रहे 4-5 दिन तक धुआं आएगा गाड़ी में से बाकी चलाने में कोई दिक्कत नहीं चलाने में मस्त चल रही है एकदम बाकी ये गाड़ी हमको कैसे मिली क्योंकि इसकी यूजली 1 साल की वेटिंग रहती है ना और क्या रीजन था वो सब मैं आपको बताऊंगा अच्छे से तो कैमरे का काम हो गया और बाकी सब पूछ लिया है कह रहे कोई दिक्कत नहीं अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो तुम बता देना बस सब्सक्राइबर या सर्विस वाले भी सब कुछ तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल जा रहे हैं घर पे बाकी जो व्यू आ रहा है ना सामने का देखो मतलब पूरा दिख रहा है तो सोसाइटी में पहुंच गए हम इनको बोल देता हूँ आपसे ये गाड़ी भी अपनी है सामने पापा जी चाचा जी मम्मी एंड मामा जी आ रहे हैं तो फाइनली सोसाइटी में हमारी गाड़ी आ चुकी है भाई काफी ऊंची लग रही है ना तो अभी तो हमको यहीं पे खड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे तो इनोवा खड़ी है ना इनोवा यहाँ पे थोड़ी पीछे कर लेंगे फिर थार आ जाएगी आराम से यहीं पे आ जाएगी हमारी दोनों गाड़ी आ जाएंगी वैसे ब्लैक से अच्छा लग रहा है ये कलर है ना वही तो XUV700 है XUV700 अरे हाँ इसके ऊपर चढ़ तू कितना इसके ऊपर चढ़ डांस कर ले करो डांस बस ऊपर चढ़ के बैठ गया और गंदी कर दी देखियो हाँ कूद जा अरे कूद जा ना इतना ऊंचा भी नहीं है चढ़ तो जाऊंगा कूद तो गया तो फिलहाल हमारे पास 2 गाड़ियां हो चुकी है फाइनली वो वाली तो खतरनाक ही लग रही है देखो साहिल ने अभी तक चला के नहीं देखी थार चला ले बाद में चलाऊंगा ऑटोमेटिक है लेकिन कोई बात नहीं शाम के 5 बज चुके हैं और इतनी भूख लग रही है ना कुछ खाएंगे पहले तो मम्मी जी कैसी लगी गाड़ी सच्ची बताना अच्छी लगी वैसे आपको पसंद नहीं है मुझे पता है बहुत अच्छी लगी मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है बट वो फैमिली कार नहीं है वो सिर्फ हमारे लिए है ऑफ रोडिंग के लिए हम लोग घूमेंगे मैं भी घूमूंगा कभी आप तो घूमोगे ही तो फिलहाल अभी खाना खाता हूँ ये वही चावल है बस दूध मिक्स कर लिया उसमें मम्मी का व्रत है मम्मी ने कुछ बनाया नहीं आज पापा जी का भी व्रत है ये बनाया देख ले 2 सब्जियां पड़ी हैं अंदर नहीं मतलब यही बनाया है क्यों बनाया है आलू की सब्जी बनाई है लौकी बनाई है करेले बनाए हैं क्या नहीं बनाया है कौन खाएगा नहीं उनको खाएगा कौन उस सब्जी को बता दो आपका व्रत है फिर क्यों बनाया आपने तुम्हारे लिए बनाया हमारे लिए वो चीज बनानी चाहिए जो हमको पसंद है क्या पसंद है तुमको बता दो मेरे को
हमको पसंद हम मैं कभी कोई भी चीज बनाती कभी आज तक खाया तो नहीं पसंद है। तो फिलहाल अभी डिनर करते हैं, डिनर रेडी हो चुका है। ये करेला और वो पनीर मुझे तो एक भी पसंद नहीं है। पनीर वाली मत देना, सिर्फ ये देना। हे गाइस, तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। कल तो मैं काफी थक गया था, डिलीवरी ली थी और भी बहुत काम थे, तो आते ही मैं पता नहीं चला कैसे सो गया। फिलहाल अभी सुबह 4 बजे उठा, एडिटिंग कंप्लीट किया और बाकी बस देखते हैं। आज कहीं जाने का प्लान है अपनी नई गाड़ी में, तो वो आप देखना नेक्स्ट व्लॉग में। फिलहाल इसको एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डर लग रही है क्यों? बड़ी मेरे को पीछे से बैठा दे यार, मेरे को बैठने आगे रोक दो, बड़ी मेरे को डर लग रही है।